हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज मैं एक बड़ी बेहतरीन जगह आया हूँ, मतलब काफ़ी सालों बाद एक ऐसी जगह आया हूँ। आप देखो मेरे पीछे से, आप देख के समझ गए होंगे। ये देखो, ये हैं अपने कोकला वन, शनिदेव महाराज जी, शनिधाम कहते हैं। मतलब पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूँ तो ये जगह जो है कोकला वन दूसरे नंबर पर है, जो मतलब इनकी काफ़ी बड़ा मंदिर है यहाँ पर। इनके बारे में जो है, इनकी कहानी जो है, इनकी जो हिस्ट्री बताते हैं, ये मंदिर यहाँ पर कैसे है, क्या है, वो मैं आपको मेन मंदिर पहुँच के बताऊँगा, ठीक है ना। अब ये देख लो, अब यहाँ से मतलब ये मेन मंदिर नहीं है, यहाँ से अब एंट्री अंदर की तरफ जाना है हमें। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर अंदर की तरफ जाएंगे, ये मेन जो हाईवे है ना, उस हाईवे से अंदर रोड आती है। यहाँ से अगर देख रहे हो आप इस साइड में, तो 7-8 किलोमीटर के आसपास हाईवे पड़ता है, और इस साइड में जो है वो अपना नंदगांव है। तो नंदगांव से आप जब आओगे, मतलब ये मेन जो आप देखो मेरे पीछे, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो शनिदेव महाराज जी हैं। तो अब पीछे आप रोड देख रहे हो, वहाँ से सामने जो रोड जा रही है देख रहे हो आप, उस यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर के आसपास मेन कोकलावन मंदिर है। तो यहाँ से ऑटो भी जाते हैं, ऑटो ऑटो की सर्विस रहती है नॉर्मली। अगर गाड़ी से आ रहे हो तो गाड़ी से आप चले जाओ, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो ऑटो चलते हैं। सैटरडे के दिन काफ़ी मतलब ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहते हैं, ट्रांसपोर्ट सुविधाएँ रहती हैं। तो चलते हैं अंदर। चलो दोस्तों, पहुँच गया हूँ मैं कोकलावन। बहुत ही बेहतरीन जगह है कसम से यार, मतलब ये कहते हैं ना, इसकी सीमा में एंट्री होती, क्योंकि मैं तो कभी आया नहीं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। पहले मैं आपको कोकिला वन के बारे में बता देता हूँ, इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि क्या है और कैसे यहाँ पे हुआ, कैसे शनिदेव महाराज यहाँ पे विराजमान हुए, क्या इसकी कहानी है, मतलब क्या पुरानी चीज़ें हैं, जो जो भी कहानी है पुराने टाइम से चलती आती हैं, उसी हिसाब से होती हैं। तो क्या था कि द्वापर युग था, तो कृष्ण जी का अपने नंदलाल जो थे, कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और जन्म होने के बाद में जब उनका बाल्यकाल जो था, मतलब बचपन जो था, वो नंदगांव में बीता था, यशोमती मैया के पास में। तो उस टाइम क्या था कि जब वो बालावस्था में थे, तो बहुत से देवी देवता उनको देखने आते थे। आपने अगर सीरियल भी देखा होगा तो बहुत से देवी देवता उनको देखने आते थे बाल्यावस्था में। तो उसी टाइम पर शनिदेव महाराज भी उनको देखने जा रहे थे, मतलब पहुँचे, तो यशोमती मैया ने उनको मना कर दिया मिलने से, उनको मतलब मिलने नहीं जाने दिया। उनको बोला कि आपकी जो है विकृत दृष्टि जो है, मतलब शनिदेव महाराज को बोला आपकी दृष्टि है वो मेरे नंदलाल पे पड़ेगी और उस पर कोई संकट आ सकता है, तो उनको मना कर दिया। तो ये बात शनिदेव महाराज को बहुत बुरी लगी और वो रुष्ट होकर, नाराज होकर, नंदगांव के पास में ही वन है, मतलब पूरा जंगल था, तो वहाँ पे आके और वन के अंदर बैठ के वो तपस्या करने लगे। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने उनको कोयल के रूप में दर्शन दिए थे, मतलब श्री कृष्ण जी आए थे और उनको कोयल के रूप में दर्शन दिए थे और उनसे कहा था कि आपकी मतलब जो तुम्हारी जो तपस्या है, तुम्हारी जो पूजा है, उससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ और मैं इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए, कोयल के रूप में आए थे। और उस दिन के बाद जब श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा था कि अब से जो इस जो आपका स्थान है, यही स्थान आप धारण कर लो, इस स्थान पर आप विराजमान हो जाओ, आपके दर्शन जो भी करने आएगा इस स्थान पर, जो भी करने आएगा, आपकी पूजा करेगा यहाँ पर आकर, तो उसको आपके साथ साथ मेरी कृपा भी प्राप्त होगी और उसकी सब मनोकामना पूरी होंगी। तो क्या था कि जब उन्होंने कोयल का रूप धारण करके दर्शन दिए थे, तो इस वन का नाम उस दिन के बाद में कोकिला वन हो गया, क्योंकि कोयल थी तो कोयल के नाम से करके कोकिला वन के नाम से, ये जो वन था जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, इसको कोकिला वन कहते हैं, कोकिला वन के नाम से जाने जाने लगा। और जब से इसकी पूजा पाठ शुरू हो चुकी है, अब यहाँ पर शनिदेव महाराज का मंदिर है, तो मतलब काफ़ी मान्यता है यहाँ की। मतलब मैं बताऊँ, भारतवर्ष में ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, इससे पहले वाला शनि सिग्नापुर है और दूसरे वाला ये वाला मंदिर है। जो यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है और ये पूरा हमें घूम के इस तरह करके मंदिर बीच में पड़ते हैं, वहाँ से करके वापस इधर से आना पड़ेगा। टोटल 3 किलोमीटर की परिक्रमा आएगी जिसको हमें कवर करनी है। अभी धूप हो चुकी है, इसलिए जो रहते हैं ना, मैक्सिमम जो पब्लिक होती है, जो फरीदाबाद से हैं, गुड़गांव साइड से जो आते हैं, वो रात को 12 बजे के आसपास आ जाते हैं और परिक्रमा स्टार्ट करके अपने 3-4 बजे फ्री होकर निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि दिन में तो धूप ज़्यादा हो जाती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, और क्योंकि नंगे पैर करनी होती है। ये देखो, नंगे पैर ही हूँ मैं। ये जो पूरा है ये कोकिला वन ही है, ये देख रहे हो ना आप, ये पूरा इसको कोकिला वन ही कहते हैं। यहीं पे शनिदेव जी महाराज जी ने तपस्या करी थी। तो मंदिर जो है बीच में है, वो परिक्रमा जब कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ हम पहुँचेंगे मंदिर पे। ये छोटी थी गौशाला बना रखी है। जय शनिदेव, जय गौ माता की।
मज़ा आ रहा है। इससे भी पब्लिक बहुत ज़्यादा है, वैसे धूप हो जाती है कोई नहीं पड़ता, लेकिन जो लोगों की श्रद्धा है ना उसके हिसाब से देख लो, सब परिक्रमा करते ही करते हैं। गौशाला बनाने में आजकल पता धनंजय भाई साहब भी व्लॉगिंग करते हैं, पता आपको देखो वो रे इनको भी चस्का चढ़ गया व्लॉगिंग करने का। बढ़िया है, इसी बहाने घूमना भी हो जाता है और किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में बताना, खुद को भी पता चलता है और दूसरों को भी बताया जाता है, जानकारी होती है। ये वो लोग ये पीठ पलनिया जाते हैं, जैसे हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, ये लेट लेट के पीस को कहते हैं पीठ पलनिया, मतलब पीट के बल करते हैं, पूरी करते हैं परिक्रमाएँ 3 किलोमीटर की। हाथ में पत्थर रखते हैं, तो जहाँ तक इनका हाथ जाता है वहाँ पत्थर रख देते हैं, देन फिर उससे पत्थर उठाते हैं, वहाँ से फिर लेटते हैं, दूसरी का पत्थर रखते हैं। नंदगांव है, नंदगांव यहाँ से 5 किलोमीटर, यहाँ श्री कृष्ण जी रहते थे। ये ना वो यहाँ पे बिस्किट और केला है, अगर आप चाहो तो लेके इनको बांट सकते हो, लोग बैठे हुए, आपकी श्रद्धा है, अगर बांटना चाहो तो बांट सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और फिर भी मैं तो एक सजेस्ट करता हूँ कि पैसे ना देकर कुछ खाने की चीज़ दे दो, ताकि इनके पेटों, ताकि इनके पेट के अंदर जाए और पेट भरे। पैसे का तो क्या यूज़ होगा हमें नहीं पता, पैसा नहीं देना चाहिए। और सब अपनी अपनी इच्छा यार, सब अपने अपने माइंड को यूज करते हैं, मेरे हिसाब से तो खाने पीने की चीज़ दे दो वो बेस्ट है। अब यहाँ पे क्या है ना, जो लोग बैठ के देखा अपने मांग रहे थे पैसे, उनको तो लोग देते नहीं है, समझदार हो गए तो ऐसे करके मूर्तियाँ रख देते हैं, कि कहते हैं ना कि जैसे पत्थर रख दिया यहाँ पे शनिदेव महाराज की, शेरा वाली माई की मूर्ति रख दी, ऐसे करके ताकि बंदे इसमें एक एक दो दो रुपये डाल दें और इनकी इनकम हो जाती है पूरे दिन की। वो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए, जो देना हो कुछ खिलाना हो तो खिला दो, पैसे वैसे नहीं देने चाहिए। अब यहाँ पे कोई बंदे नहीं बैठे हुए, लेकिन धूप हो चुकी है, यहाँ बंदे बैठे हैं उनको पसीने आ रहे हैं, तो अपनी उस परेशानी से बचने के लिए इन्होंने ये वाला जुगाड़ अपना दिया है कि यहाँ पर मूर्तियाँ रख दी है वो, ताकि पैसा आता रहे। बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब परिक्रमा कंप्लीट होने वाली है, तो ये जो मंदिर है इनके दर्शन ज़रूरी बताए गए यहाँ पे, तो ये वाले मंदिर का दर्शन कर लेते हैं एक बार। ये वापस हम अपनी परिक्रमा कंप्लीट होगी हमारी, हमारी यहाँ पे वाहन खड़ा है हमारा, राम प्यारी खड़ी है ना, राम प्यारी, तो ये हमारी परिक्रमा यहीं से हमने स्टार्ट करी थी। अब जो मंदिर है वो इस वाले रास्ते से जाके अंदर वहाँ पे है, वहाँ जाके हमें शनिदेव जी के दर्शन करने हैं और पूजा करके फिर हम, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी है अच्छा है, गर्मी है लेकिन फील नहीं हुई क्योंकि काफ़ी पब्लिक है और मन में श्रद्धा है, तो फिर कंप्लीट हो गई। तो हमारी परिक्रमा कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, यहीं से स्टार्ट करी थी और वापस फिर घूम के यहीं पर आ गए हम। अब ये वाला जो है मंदिर के लिए जा रहा है रास्ता जो है, और सामने आप देख रहे हो जो ये मंदिर है शनिदेव महाराज के, तो मतलब ज़्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर देखा जाए तो बहुत जल्दी होगी, पता ही नहीं चला। नाम की 3 किलोमीटर होती है, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी, है ना, कितनी कब कंप्लीट होगी। बस थोड़ा वैसे है नंगे पैर घूम, मतलब परिक्रमा कर रहे हैं तो पत्थर तो ज़रूर चुभते हैं, हल्के हल्के फील होते हैं, और वो भी इग्नोर करोगे तो कोई पता नहीं चलेगा। तो 3 किलोमीटर को कितना टाइम लगाओगा, 15-20 मिनट, हाँ मतलब आधे घंटा मैक्सिमम लगा लो, आधे घंटे मैक्सिमम है, पता ही नहीं चला कब कंप्लीट होगी। अब भगवान जी के दर्शन, शनिदेव महाराज जी के दर्शन करते हैं और फिर बाहर आते हैं। तो मज़ा आ रहा था, कुछ भी कहो यार, होता है अपने, कहते हैं ना कुछ चीज़ें हैं इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, कितना भी सोचे कि नहीं करनी नहीं करनी, लेकिन जब भगवान जी की शरण में जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक ताकत आती है। अब गर्मी है लेकिन फील नहीं हो रही, और नंगे पैर घूम रहे हैं, मतलब परिक्रमा कर रहे हैं, घूम नहीं रहे। धनंजय भाई साहब कुछ कहना चाहोगे आप? परिक्रमा कर रहे हैं बस, करके चलते शनिदेव मंदिर का दर्शन करेंगे, अभी दर्शन करने वाले दिखाते हैं आपको कैसे क्या है यहाँ पर सारा। तो चलो चलते हैं अंदर, चलते हैं अंदर, मोबाइल अलाउड होगा तो पक्का वीडियो बनाएंगे, और नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं।
वैसे आपको बता देंगे। यहाँ पे कुंड है, ये एक्चुअली अगर आप जैसे मान लो आपने परिक्रमा की, आप चाहो तो नहा के दर्शन कर सकते हो। ये मेल के लिए है, मतलब आदमियों के लिए है, और उधर जो दूसरा साइड है वो फीमेल के लिए, लेडीज़ों के लिए उस साइड वाला, तो आपके ऊपर है। इधर ये नहा के दर्शन कर लो, और अगर आप घर से नहा के आए हो फिर तो मतलब आपके ऊपर है, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नहा के ही दर्शन करने हैं, वो अपनी श्रद्धा के ऊपर आप करना चाहते हो कर लो, कोई कंपलसरी नहीं है कि नहाना ही है दर्शन करने से पहले। ये मेल के लिए है और वो फीमेल के लिए है। ये आश्रम है, यहाँ पे जो लावारिस हैं, साहे हैं, पीड़ित जो लोग होते हैं ना, उनको यहाँ पे रखा जाता है। देख रहे हो जितने भी खड़े हैं, इनकी फैमिली का कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे इनको रुकने का, रहने की जगह दे रखी है। यहाँ पे काफ़ी मंदिर है, मतलब तो मेन जो मंदिर है वो शनिदेव महाराज जी का है, वो पीछे की तरफ है, वहाँ चल रहे हैं अभी। प्रसाद लेने के लिए काफ़ी छोटी छोटी दुकानें हैं, तो 21 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 151 रुपये तक है, वो अलग अलग चीज़ें हैं उसके हिसाब से, तो लेके आप चढ़ा सकते हैं। मेन जो मंदिर है वो उसमें हम जा रहे हैं, इसके अलावा छोटे छोटे काफ़ी मंदिर हैं अलग अलग उनके, तो मेन जिस चीज़ के लिए है ये जगह है, तो वो शनिदेव महाराज जी के लिए है, तो उसी पर ही जाते हैं और उन्हीं के दर्शन करते हैं। ये सामने जो है वो मेन मंदिर है शनिदेव महाराज का, चलते हैं अंदर दर्शन करके आते हैं। बोर्ड भी लगा हुआ है देखो, इसके चारों तरफ खाने पीने की जगह है, छोटी छोटी बना रखी हैं, रेस्टोरेंट टाइप के हैं, और साइड में प्रसाद के लिए जगह है, प्रसाद के लिए स्टोर लगा रखी है वाली। ये शनिदेव महाराज जी का मेन मंदिर है, ठीक है, ये एंट्री गेट था, और एंट्री गेट से जैसे एंट्री हम करेंगे तो ये मेन मंदिर है। ये यहाँ पर जितने भी है ना पंडित बैठे हुए हैं, आप चाहो तो इनसे पूजा करवा सकते हो। पूजा क्या करते हैं, मतलब जो उनके मंत्र होते हैं वो पढ़ते हैं, और उसके उस पर आपसे, तो पहले ही इनसे क्लियर कर लेना, वैसे नॉर्मल सी बात है, मांगे तो आपसे 100-150 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 50-20 रुपये भी दोगे तो आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोशिश तो करते हैं ये करने की, पर उसको इग्नोर कर देना बात को, 20-30 रुपये पकड़ा के चले जाना बस, वरना तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने के बाद में फिर यहाँ से आपको ऐसे करके पूरा राउंड राउंड करके जाना है। ये अच्छा बनाया हुआ है कि कभी क्राउड ज़्यादा होता है, भीड़ ज़्यादा होती है ना, तो ये होने से सेफ्टी रहती है, थोड़ी भगदड़ वाला सीन नहीं होता। एक्चुअली क्या था वहाँ, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जो एक पंडित था, मैंने दिखाया था कि जो मतलब पूजा कर रहा था, तो आप चाहो तो उसे करा सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है। लोग यहाँ पे आके नॉर्मली दीप चला देते हैं, धूपबत्ती लगा देते हैं, तो वो एक तरह से कमाने का ही तरीका, अगर आप चाहते हो कुछ मंत्र पढ़ना तो एक अलग चीज़ है, वरना तो आप यहीं डायरेक्टली आके अपने दिए और धूपबत्ती कर सकते हो। मतलब पब्लिक को इतनी शांति नहीं है, यहाँ से भी शॉर्टकट कर करके जा रहे हैं, मतलब राउंड करने, वैसे तो 3 किलोमीटर की परिक्रमा करके आ चुके हैं, लेकिन देखो शॉर्टकट करके, मतलब इतना नहीं कर सकते कि यहाँ से घूम घूम के जाए, सबको जल्दी है आज के टाइम पे ना। ये मेन मंदिर है, मंदिर के अंदर आ गए, यहाँ तेल चढ़ाना है, यहाँ पे चढ़ा देना, तेल चढ़ा देते हैं, यहाँ पे तेल डालना है, तेल डालोगे तो फिर ऑटोमेटिकली शनिदेव महाराज पे चढ़ जाता है, ये जगह है, यहाँ पे डाल के बोतल को फिर नीचे फेंक दो। जैसे तेल चढ़ाते हैं उसके बाद फिर इस तरह मंदिर ये है इनकी, ऐसे गोल घूम के फिर वहाँ पे करके ऐसे निकल जाते हैं बाहर, इतना है ये वाला।
हनुमान जी का मंदिर है। जो भी इनके अंदर है ना वो सारे मतलब आप ये लगा लो कि VIP समझ सकते हो, ठीक है ना। उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, वरना तो नॉर्मली बाहर से ही चढ़ा सकते हैं आप, अंदर अलाउड नहीं है जाना। वहाँ पे पंडित जी खड़े हुए हैं, वो उनको आपको कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी या कुछ अलग से उनके लिए बनता है तो ये एंट्री है, वरना बाहर से चढ़ाओ, इस साइड से चढ़ाओ या उस साइड से चढ़ाओ। शनिदेव महाराज आप देख रहे हो, मैं दर्शन करा देता हूँ आपको। ये देखिए शनिदेव जी महाराज हैं, बाहर निकल के आते हैं। ये उनके बाद बाहर निकलने का रास्ता ये था, एग्जिट यहाँ से हुआ हमारा। बस ये है श्री ठाकुर बिहारी जी कोकिला वन। अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं मंदिर से। ये पूरा मंदिर का था, ये एग्जिट हो चुका है अपना। एक्चुअली ये मांगने के ऊपर झगड़ा हो रहा है इनका, दिख रहा है कि ये आंटी ये कह रही है इनसे कि तू मेरे एरिया मत मांग, और वो कह रहे हैं मैं यही मांगूंगा। देखो ये ही हिसाब किताब है यहाँ का, देख लो आप। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ना इन लोगों को इग्नोर करना चाहिए, पैसा नहीं देने चाहिए। हाँ देख लो, अब ये कह रही कि बंदा उतरेगा तो उनको पैसा मिल जाएंगे, तो इन जो बूढ़े हैं बाबा जी हैं उनको कह रही है तू यहाँ से जा, दूर जाके मांग। घोर कलयुग यार, घोर कलयुग। सब जी का कॉम्पिटिशन है, हर जी का यहाँ भी कॉम्पिटिशन है मांगने के लिए, मतलब भीख मांगने के लिए भी कॉम्पिटिशन। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा मजा आ गया। ये मंदिर से जैसे ही आप हल्का सा बाहर आओगे ना, तो ये भंडारे का स्पेस है, यहाँ भंडारे होते रहते हैं। मतलब सैटरडे है तो ज़्यादा रहता है, नॉर्मल डेज में नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर आप भंडारा खाना चाहते हो, भंडारा ग्रहण करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं कि आपको रेस्टोरेंट में जाकर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आलू की सब्ज़ी होती है, पूरी होती है। इसकी आलू की सब्ज़ी है, पूरी और हलवा है, तो बेस्ट है। अगर ट्राई कर सकते हो, करना चाहते हो तो कर सकते हो। धनंजय भाई सब जा रहे हैं। ये खिचड़ी है, खिचड़ी मतलब सबका अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई खिचड़ी बना रहा है, कोई आलू पूरी और हलवा बना रहा है, कोई सिर्फ हलवा बना रहा है। सबका अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से है, कोई कुछ भी बना के कर सकता है। मतलब ऑप्शन है आपके पास। भंडारा तो आपको पता है, जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसी भंडारा करवाता है। चलो अपने हो गए दर्शन, शनिदेव जी महाराज के दर्शन हो गए हैं। उम्मीद करते हैं महाराज जी की हमारे ऊपर कृपा आएगी और हमारा जीवन सफल होगा। आप लोगों ने भी दर्शन किए हैं, भगवान करे आप लोगों का भी जीवन सफल हो, आप लोग ही लाइफ में खुशी आएँ। तो चलते हैं शनि अपना कोकिला वन का ब्लॉग जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं दूसरी लोकेशन पर, उसकी जो वो ब्लॉग है वो दूसरे वाली आएगा। दूसरी जो मंदिर है, दूसरी जो जगह है, वो उसका व्लॉग नेक्स्ट होगा। ये वाला व्लॉग यहीं कंप्लीट होता है, तो दूसरे चलते हैं दूसरी जगह पे, ठीक है। अब वो बताता हूँ कहाँ पे, वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा आपको कौन सी जगह है। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।